राहुल जी, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जाति आधारित रैली पर रोक लगा दी है। हम अंग्रेजों को दोष देते थे कि उन्होंने हमें धर्म के आधार पर बांटकर हम पर राज किया, मगर आजकल के नेता तो उन अंग्रेजों से भी चार कदम आगे निकल चुके हैं। हमें जातियों में बांटकर अपनी राजनीति चमकाना शुरू कर दी है नेताओं ने। क्या कोर्ट के इस फैसले से जातिगत राजनीति पर कोई रोक लग पाएगी या नहीं, या नेता इसका भी कोई बाईपास निकाल लेंगे, इस पर आपकी खरी बात क्या है? देखिए, पहले तो मैं आपके सवाल में ही एक करेक्शन करना चाहूँगा। आपने कहा है कि अंग्रेजों ने हमें धर्म के आधार पर बांटकर अपनी सत्ता यहाँ पे कामयाब की। जी, ये उदाहरण भी आता है कि उन्होंने फूट डालो राज करो का नारा। हाँ, ये एक हमारी फितरत बनी हुई है कि हम अपना कसूर दूसरों पे डालते हैं। अंग्रेजों के आने से पहले ही हम धर्म के आधार पर बटे हुए थे जी। ये एक फैक्ट है। उन्होंने ये जरूर है कि इस बंटवारे का राजनीतिक फायदा उठाया और अपनी सत्ता यहाँ कामयाब सत्ता लागू करने में कामयाब हो गए। ये उनका एक राजनीतिक फायदा था। बटे हुए ऑलरेडी थे, ऑलरेडी थे, उसका उन्होंने फायदा उठाया जी। उनके इस फायदे का आज हमें ये फायदा मिल गया कि जो आज इंडिया का नक्शा दुनिया पे देखते हैं ना, ये कभी नहीं था, ना किसी राजा महाराजा के समय, ना मुगलों के समय में इतना इकट्ठा एक सत्ता के नीचे, एक सत्ता केंद्र के नीचे इतना बड़ा हिंदुस्तान कभी नहीं था। पाकिस्तान बट गया बेशक, लेकिन वो अंग्रेजों टाइम में वो भी साथ था, लेकिन इतना जो आज इंडिया है ये भी नहीं कभी हुआ, ना तो अशोक के टाइम में, ना चंद्रगुप्त मौर्य वगैरह के टाइम में, ना मुगलों के समय में। ये उसका हमें एक साइड इफेक्ट, गुड इफेक्ट मिला अंग्रेजों का हम पे राज करने का, जो आज हम इंडिया देख रहे हैं, गुजरात से आसाम तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक जी। रही बात आपकी कि आज के नेता राजनीतिक रोटियां सेकते हैं जाति आधार पर, देखिए ये कहना आपका सही है कि जाति आधार पर वो अपनी राजनीति चमकाते हैं, लेकिन जातियां उन्होंने क्रिएट नहीं की, जातियां हमारे धर्म में पहले ही थी, समाज में पहले ही थी। अब कांग्रेस का राज 70 तक एक छत्र राज रहा, सेंटर में कभी कभार स्टेट में हो सकता है कोई दूसरी पार्टी विपक्षी का राज आ गया, लेकिन कांग्रेस का 1977 तक एक छत्र राज रहा था सेंटर पे इंडिया के जी। तो उसका क्या था वोट बैंक, 33% से ज़्यादा वोट कभी भी कांग्रेस जीत के सत्ता में नहीं आई, यानी कि 67% वोट बेकार में जाते थे बहुमत खिलाफ के, यानी कि बहुमत की सरकार कभी नहीं बनी। अब उसका वोट बैंक का बेस क्या था, इन जो छोटी जातियां हैं इनको हरिजन का नाम देके वो हरिजनों का वोट प्लस मुस्लिम माइनॉरिटी का वोट प्लस ब्राह्मणों का वोट, ये वोटें जोड़ के वो हमेशा सत्ता में आती थी कांग्रेस। अब इस कांग्रेस के वोट बैंक में सेंध लगाने एक आदमी आता है 80s में, कांशीराम जी। उस कांशीराम ने क्या किया, उसने एक नारा दिया, तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार, तिलक पंडित, तराजू वैश्य, तलवार छतरी, जो तीन जातियां जो शूद्रों से अलग थी वो तीन थी, तीनों के वो गालियां देता था और इस गालियां देने के दम पे उसने क्या किया, छोटी जातियों को अपने लिए लामबंद किया और उसका ये तरीका कामयाब हुआ, वो कांग्रेस का वोट बैंक खिसकाने में कामयाब हुआ। जो कांग्रेस एक छत्र राज करती थी सेंटर पे, अब वही छोटी छोटी पार्टियों के आगे समर्थन के लिए हाथ जोड़े खड़ी रहती है। अब काम श्री राम की कामयाबी को देख के अब दूसरे जाति के नेताओं ने भी अपना अपना इसमें राजनीतिक रास्ता निकाल लिया और हर कोई अपनी पार्टी का लीडर बन के अपनी पार्टी के वोटों को लामबंद करने लगा। यहाँ 80s से जो ये कुकुरमुत्तों की तरह छोटी छोटी पार्टियां स्टेट लेवल पे उभर आई है ना, इसका उदय कांशीराम की इस राजनीतिक चाल के बाद ही हुआ है। अगर कांशीराम लामबंद कर सकता है तो वो उन्होंने सोचा कि हम क्यों नहीं कर सकते, अपनी अपनी जाति, जाटों की होगी, यादवों की होगी, अहिर गुजरों की होगी, इस तरह से पहले सिर्फ एक मुस्लिम लीग होती थी मुसलमानों की, तो यहाँ से ये छोटी छोटी राजनीति पार्टियों का उदय हुआ। और ये राजनीतिक पार्टियों की अगर पूंजी कोई है, जैसे किसी व्यक्ति की हैसियत कैसे मापते हो आप, उसकी चल अचल संपत्ति के बैंक में कितने पैसे हैं उसके, उसके पास कितना नामा बैंक में पड़ा है, तो राजनीति का एक और बैंक होता है जिसको वोट बैंक कहते हैं,
अब इनकी हैसियत ये है कि ये अपने अपनी जातीय वोटों को कितना इकट्ठा कर पाते हैं उसके दम पे ये अपना फिर सत्ता में भागीदारी का वो अपना हिस्सा मांगते हैं, रास्ता बनाते हैं। ये एक सबसे बड़ा इसका माइनस पॉइंट है कि यहाँ पे पब्लिक का फिर फायदा नगण्य हो जाता है। राजनीतिक नेता जो उस पार्टी का है वो अपना फायदा देख के अपने मोल तोल भाव सत्ता में करता है, जात को राजनीतिक पूंजी के रूप में एक पूंजी बन चुकी है जाती है, इसलिए ये छोटी छोटी पार्टियां सब की अपनी अपनी बन चुकी हैं। अब आप इस राजनीतिक इस तरह के राजनीतिक पार्टियों में फिर काबिलियत गौण हो जाती है। आगे बढ़ने का रास्ता क्या है कि सभी पार्टियां ये प्राइवेट लिमिटेड बन चुकी हैं हर खानदानों की, और इनमें एक चमचागिरी या अपने नेता के प्रति अपनी वफादारी किस हद तक दिखा रही है वो ही एक मापदंड रह जाता है, इसलिए काबिलियत नगण्य हो जाती है, जनता का फायदा पीछे चला जाता है, नेता का अपना मोल तोल अपना फायदा देखता है, छोटी छोटी पार्टियां और नेता का जो बड़ा चमचा है वही आगे बढ़ जाता है। तो इसलिए इन छोटी पार्टियों का सबसे बड़ा नुकसान ये है। बनी तो थी ये उन जातियों के उत्थान के लिए, लेकिन उत्थान किसका हुआ, जिसने वो पार्टी बनाई है उन्होंने अपना राजनीतिक उत्थान कर लिया। वो जातियां जो थी जिनके लिए बनी थी वो आज भी वैसे ही हैं, इसलिए उनकी स्थिति में कोई सुधार नहीं आया है। तो मतलब ये हुआ कि नेता ने जाति को राजनीतिक पूंजी के रूप में इस्तेमाल किया अपने लिए किया, उस जाति के लिए उसको इकट्ठा लामबंद कराया, उसने दिखाया, लेकिन उसका फायदा उसने अपने लिए इस्तेमाल किया और उनकी वोटों को वो सत्ता के भागीदारी में उसका सौदा करता है वो। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि आजकल के नेता जाति को राजनीतिक पूंजी के रूप में इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल करते हैं, उनका मकसद ये है और अपने फायदे के लिए करते हैं, और दर्शाते ये हैं कि वो सबसे ज्यादा उन पार्टियों के शुभचिंतक वो हैं, शुभचिंतक बनते हैं लेकिन मोल तोल भाव वही अपने फायदे के लिए करते हैं सत्ता में। जाति का उत्थान नहीं होता, खुद का उत्थान हो जाता है। नीति तो रहती ही नहीं, कहां ज्यादा मिल रहा है, इसलिए ना ईद कभी इस गठबंधन में जाते हैं, कभी यूपीए में, कभी एनडीए में, तो नीतियां कहाँ रहेंगी, यही है ना, फायदा कहाँ से मिल रहा है ज्यादा, तो उस तरफ लुढ़क जाती हैं। बगैर तले के लोटे के होते हैं ना, बगैर तले का लोटा जैसे किधर भी लुढ़क सकता है, ये पार्टियां भी वैसे हो रखी हैं, सिर्फ अपना फायदा देखती हैं। रही बात आपकी के नेता इसका कोर्ट के फैसले कोई बाईपास निकाल लेंगे, के देखिए उनकी सर्वाइवल का एक मेन चीज क्या है, जातीय राजनीति, और जब यही नहीं रहेगी तो वो राजनीति के पटल पे कैसे सर्वाइव करेंगे, फिर तो वही बड़ी पार्टियों का युद्ध रह जाएगा जैसे पहले होती थी दो चार पार्टियां। तो मैं आज नहीं कह सकता वो कैसे क्या तोड़ निकालेंगे, लेकिन कोशिश जरूर करेंगे क्योंकि उनके लिए तो जीवन मरण की बात है। अगर आप जातीय राजनीति उनकी बंद होगी तो फिर वो सर्वाइव किसके दम पे करेंगे, इसलिए वो कोशिश जरूर करेंगे। ये बात है कि उसमें कामयाब होते हैं, पब्लिक होने देती है या नहीं, वो एक बात की बात है, लेकिन नेता कोशिश जरूर करेंगे। जब वो इतने जातीय राजनीति पे आ सकते हैं तो उसको वो इतनी जल्दी छोड़ेंगे भी नहीं, क्योंकि जिसके दम पे उनके मेवा पूरी खाने को मिल रहा है वो आदमी छोड़ता नहीं है। तो कोशिश जरूर करेंगे, कामयाब नहीं होती ये वक्त बताएगा।